नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज़ में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, आज का हमारी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी भाई अगर मोबाइल यूज कर रहा है और इसमें जियो का सिम यूज कर रहा है, तो उन यूजर्स के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबर है। जी दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर आप जियो के यूजर हैं तो ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आप यदि किसी दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के फ़ोन पर संपर्क करेंगे तो आपको उस कॉल का पैसा देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप जियो से किसी अन्य नेटवर्क यानी कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जिस नेटवर्क पर भी संपर्क करेंगे तो आपको उस फ़ोन के लिए चार्ज करना होगा। जी हाँ, जियो से मिली जानकारी के अनुसार अब किसी दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए जियो यूजर्स को हर मिनट के 6 पैसे देने होंगे, जबकि जियो से जियो और लैंडलाइन फ्री रहेगा। हालांकि इसके साथ ही जियो ने यह भी कहा है कि इतने वैल्यू का डेटा यूजर्स को मुफ्त दिया जाएगा, जिसे एक तरफ से ये इसकी भरपाई के तौर पर देखा जा सकता है। जी दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि जियो की ओर से इस ऐलान के बाद अब आपका जियो रिचार्ज और प्लान पहले से थोड़ा महंगा हो जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो जियो की ओर से रिचार्ज भी महंगे होने की यह वजह बताई जा रही है कि उपभोक्ताओं को कूपन लेना होगा, जिसकी शुरुआत कीमत 10 रुपये है। दूरसंचार बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अब दूसरी कंपनियां भी कॉल के लिए शुल्क लेने की शुरुआत कर सकती है। ऐसे में से मुफ्त कॉलिंग के ख़त्म होने के दौर के तौर पर भी देखा जा सकता है। जियो ने अपने बयान में कहा है कि अन्य कंपनियाँ की 2G सेवाएँ महंगी हैं, जिसकी वजह से उन कंपनियों के ग्राहक जियो के उपभोक्ताओं को मिस कॉल करते हैं। जब जियो के ग्राहक उन्हें वापस कॉल करते हैं तो उसके बदले जियो को उन कंपनियों को इंटरकनेक्ट प्रयोग शुल्क यानी कि IUC चुकाना पड़ता है। जियो नेटवर्क पर रोजाना इसे 30 करोड़ तक मिस कॉल आती है। जियो ने इसके लिए 3 साल में 13,500 करोड़ चुकाया है। दूसरी तरफ जियो ने यह भी कहा है कि जब तक टर्मिनेशन चार्ज टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई जीरो नहीं करती है, तब तक के लिए यूजर से कॉलिंग के लिए पैसे लिए जाएंगे। वर्तमान में ये तारीख 1 जनवरी 2020 तक की है। जी हाँ दोस्तों, जियो के यूजर के लिए अच्छी और बुरी खबर दोनों भी है। प्लान महंगे होने वाले हैं, तो आप भी अगर जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। अब से हर पर सेकेंड यानी कि 1 मिनट के बात करने के 6 पैसे लगेंगे। जी दोस्तों, जियो से जियो फ्री रहेगा और जियो से जियो लैंडलाइन फ्री रहेगा। इसके अलावा अन्य एयरटेल और वोडाफोन पर आप कॉल करेंगे या BSNL पर कॉल करेंगे, किसी भी अन्य नेटवर्क पर जियो की सिम से कॉल करेंगे तो आपके हर मिनट के 6 पैसे कटेंगे। जी दोस्तों, अगर आप भी जियो के यूज़र हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके भी अगर 6 पैसे मिनट के कटने शुरू हो गए या फिर आपके फ़ोन से कॉल वॉल नहीं लग रहा है अन्य नेटवर्क पर, तो 10 रुपये का रिचार्ज करवा लें, आपकी सुविधा बहाल हो जाएगी। जी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल RG न्यूज़ को सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। जी दोस्तों, इसी प्रकार की अन्य खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, अन्य अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, रखिए अपना ख्याल।